Hello students welcome you all in today's online class I am Amita lecturer biology government senior secondary school Ganj, rajpura district patiala students today we are going to continue our chapter 6 molecular basis of inheritance part 4 and the topic to be covered in today's lecture is dna replication students in our earlier lectures we have studied the mode of dna replication and we studied it was semi conservative mode of replication now today we will discuss we will study the actual mechanism how replication occurs okay we know dna replication is the biological process of producing two identical replicas of dna from one original dna molecule I have already told you that DNA replication is making copy of DNA. So replication of DNA is not as simple as its definition. It is not only the DNA which is required to make its two identical copies. It is not a single step mechanism. Replication of DNA is a multi-step and complex process which occurs in s phase of the cell cycle in our class 11th we have studied mitosis and in interface there is g1 s and g2 phase so replication occurs in s phase of interface it is semi conservative we have clearly studied we have seen in the experiment Meselson and Stohol experiment the mode of replication is semi-conservative it is semi-discontinuous in our later slides I will explain you why DNA replication is semi-discontinuous because we know two strands are synthesized one is synthesized continuously and other is synthesized discontinuously that is why it is called semi-discontinuous replication रॉ मेटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर डी एन ए रेप्लिकेशन एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस सो इसमें बहुत सारी जो एनजाइम्स की रिक्वायरमेंट है रॉ मटीरियल की रिक्वायरमेंट है अगर हम कहें कि एक पूरी की पूरी मशीनरी हमें चाहिए जिसमें रॉ मटीरियल्स फिट होंगे एनजाइम्स अपना काम करेंगे और उसके बाद डी एन ए की जो कॉपी तैयार होगी तो रॉ मटेरियल्स हमें क्या चाहिए सबसे पहले तो हमें डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए क्योंकि हमने डीएनए सिंथेसाइज़ करना है और डीएनए एन इज़ मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स डी इज़ ए चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स तो न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए वो सेल के पास होने चाहिए वो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो साइटोप्लाज्म में होते हैं सो दिस इज़ द मेन रॉ मटेरियल दैट इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल अब चार तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डी ई एम पी फुल फॉर्म इज डी ऑक्सी डी ऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉसफिट जी एम पी डी ऑक्सी साइटिन मोनोफॉस्फिट व इन शॉर्ट वी कॉल इट डी ई सी एम पी डी ई टी एम पी डी ऑक्सी थामोडीन मोनोफॉसफिट हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया हुआ है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिस इज नाइट्रोजन बेस दिस इज पेंटस शुगर एंड दिस इज वन फॉस्फेट ग्रुप दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनोफॉस्फेट क्लियर ओके नाउ फर्स्ट एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड इज हेलिकेस हेलिकेस क्या करता है एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन हेलिकेस जो डी एन ए के दो स्ट्रेंड्स है उनको अनवाइंड करता है उनको खोल देता है सो फंक्शन ऑफ हेलिकेस इज़ टू ओपन द हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं दे आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इफ इट इज ए एंड टी दे विल विद डबल बॉन्ड इफ इट इज जी एंड सी दे विल ज्वाइन विद ट्रिपल बॉन्ड सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको हैलीकेज क्या करेगा ब्रेक करेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा टोपो आइसोमरेसिस टोपो आइसोमरेसिस क्या करते हैं जैसे ही हैलीकेज डी के डबल स्ट्रैंड को ओपन कर रहे हैं टोपो आइसोमरेस उस डबल स्ट्रैंड में पैदा हुई टेंशन को उस स्ट्रेच को कम करेंगे अब कैसे कम करेंगे वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को पहले कट करेंगे फिर उसको उसकी टेंशन को रिलीव करेंगे फिर उसको रीसेल करेंगे बेटे आप इसको एक रोप की एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो आप देख रहे हो इसमें कि ये जो रोप को रोप के दो फाइबर्स से मिल दो जो उसके फाइबर्स होते हैं उनको गूँध के बनी होती है अगर हम उनके फाइबर्स को अलग अलग कोशिश करें खोलने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो कि रोप में एक स्ट्रेच पैदा हो जाता है रोप में एक टाइटनेस आ जाती है इन द सिमिलर वे जब हेलिकेज डी एन ए डबल स्टैंड को खोलता है तो उसके डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रेच पैदा होता है एक प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिलीज़ करने के लिए टोपो आइजूमरेस हेल्प करते हैं दे विल कट द डबल स्ट्रैंड दे विल रोटेट इट एंड दे रीसी द टू स्टैंड इससे क्या होगा डबल स्ट्रैंड में जो स्ट्रेच पैदा हुआ है वो कम हो जाएगा सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टोपो आइसुमरेसिस थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स एस एस बी पी अब ये क्या करती हैं जैसे हमने देखा कि ये जो हैलीकेज है हेलीकेज क्या कर रहा है डबल स्ट्रैंड को ओपन कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अट्रैक्टिव बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ये जो दोनों बौ, बौ, जो हमारे बैंड्स अलग हुए हैं वो दोबारा से जुड़ सकते हैं तो उसके लिए क्या करती हैं ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये जो सिंगल स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं जिनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं उनको स्टेबल कर देती हैं उनको बाइंड करके रखती हैं ताकि वो दोनों दोबारा से ज्वाइन ना कर पाएँ सो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दे मेक द टू स्ट्रैंड स्टेबल एंड प्रिवेंट अन प्रीवेंट रिक्वाइलिंग उनको दोबारा से क्वाइल करने से बचा के रखती हैं क्लियर फोर्थ एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इज लाइगेस लाइगेस का क्या काम होता है इट इज मॉलिक्युलर गम गम मीन्स जो दो किसी भी दो चीजों को जोड़ने के काम आती है हम उसको क्या बोलते हैं गम बोलते हैं तो इसमें वो चीज़ क्या है जिसको ये जोड़ेगी दैट इज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए सपोज हमारे पास ये डी एन ए का डबल स्ट्रैंड है ठीक है तो यहाँ से कट लग गया इसको तो मॉलिक्यूलर गम है जो वो क्या करेगी इस कट को ज्वाइन कर देगी दैट इज़ वाई लाइगेजेस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर गम कई बार बटे वन मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर गम कौन से एंजाइम है तो आपको दो या तीन ऑप्शंस जो आपको दी हुई हैं आपने उसमें लाइगेस ऑप्शन को करेक्ट करना है क्लियर नाउ टीएनए एन दिस इज द मेन एंजाइम दिस इज द हीरो दिस इज द मास्टर एंजाइम हमने इसको मेन एंजाइम बोला क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एज द नेम इंडिकेट इट विल पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड चेन ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा ताकि एक नया स्ट्रैंड है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज़ हो जाए अब डीएनए पॉलीमराइज़ बेटे कई टाइप्स के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज ए पॉलिमरेज वन डी पॉलीमरेज टू डीएनए पॉलीमरेज थ्री फोर एंड सो ऑन लेकिन तीन जो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज वन जो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर का काम करता है अब प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है आओ समझते हैं बेटे हमें पता है कि डी के जो दो स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैलर चलते हैं ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है सपोज यहाँ पे हमारे पास है एडेनिन यहाँ पे हमारे पास है गुआनिन यहाँ पे हमारे पास है साइटोसिन ठीक है अब एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ेगा थायमिन गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ेगा साइटोसिन साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ना चाहिए गुआनिन जुड़ना चाहिए सपोज यहाँ पे एडेनिन जुड़ गया अब ये वाला जो बेस पेयरिंग है ये तो मिसमैच हो गई मिसमैच हो जाएगी तो आगे म्यूटेशंस हो जाएंगी प्रोटीन डिफरेंट बनेगा कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा इसको फटाफट क्या करेगा करेक्ट करेगा और यहाँ पे आके सी को जोड़ देगा सो डीएनए पॉलीमरेज वन का काम है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये उसको रिपेयर भी कर सकता है दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज वन सिमिलरली डी एन ए पॉलीमरेज टू भी रिपेयर का काम कर सकता है डी एन ए पॉलीमरेज थ्री इज द मेन एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन करता है इट इज़ हॉलो एंजाइम इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इस अगर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके आगे फर्दर सब यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं हम उस स्ट्रक्चर कंपोनेंट पे अभी बात नहीं करेंगे सो so मेनली हम क्या याद रखेंगे कि डी एन ए पॉलीमरेज थ्री है वो पॉलीमराइजेशन में एक्चुअली हेल्प करता है मेन पार्टिसिपेंट्स डी एन ए पॉलीमरेज थ्री है और एक बेटे चीज़ आपने जो हमेशा याद रखनी है कि इट कैन पॉलीमराइज द चेन इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ये इसकी स्पेशलिटी है कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अगर इसको डायरेक्शन मिलेगी तो ये बड़ी फास्ट डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री चेन को सिंथेसाइज करेगा और अगर इसको थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन मिली तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देता है इसके कुछ सब यूनिट्स हैं जो डीएनए में एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं डीएनए की चेन को काटना शुरू कर देते हैं सो so, इसको हमेशा किस डायरेक्शन में काम करना है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन और इसकी एक आप लिमिटेशन कह लो या इसका एक करैक्टर कह लो कि इट कैन नॉट इनिशिएट पॉलीमराइजेशन एट इट्स ओन ये अपने आप पॉलीमराइजेशन कभी स्टार्ट नहीं कर सकता जैसे हम एग्जांपल लें कि जो ट्रेन है ट्रेन इंजन के बिना नहीं चल सकती जब तक इंजन नहीं लगेगा साथ में इंजन स्टार्ट नहीं होगा ट्रेन अपने आप मूव नहीं करेगी इन द सिमिलर वे जो डी एन ए पॉलिमराइज है उसको एक इंजन चाहिए अपना उसको आ, स्टार्ट करने के लिए अपना काम स्टार्ट करने के लिए अब हम देखते हैं कि वो इंजन क्या है इससे पहले हम इसकी एक और क्वालिटी कर लेते हैं इट इज़ डी एन ए इज डाइमर डाइमर का मतलब कि दोनों स्ट्रैंड्स पे डी के दो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों स्टैंड्स पे ये साइमल्टेनियसली काम करता है सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए डायमर मॉलिक्यूल बिकॉज इट कैन एक्ट ऑन बोथ द स्टैंड साइमल्टेनियसली क्लियर अब मैं आपसे बात कर रही थी कि डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता अपने आप सिंथेसिस को उसको एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है और वो प्राइमर है वो प्राइमेज नाम का एंजाइम है वो प्राइमर की सिंथेसिस करता है एंड प्राइमर क्या है एक्चुअली एक आर का छोटा सा पीस है ठीक है और ये जो प्राइमर है ये हमेशा थ्री प्राइम एंड जो टेम्पलेट का थ्री प्राइम एंड है उस पर आके इन फ्रंट ऑफ दैट एंड वो लगता है क्लियर हम आगे इसको डिटेल में करेंगे फिलहाल आपको यह ध्यान में रखना है कि प्राइमर इज सिंथेसाइज बाय द एंजाइम प्राइमेस एंड विदाउट प्राइमर डीएनए कैन कैनोट इनिशिएट द पॉलिमराइजेशन फॉस्फोराइलेसिस। फॉस्फोराइलेसिस। एज द नेम इंडिकेट ये क्या करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो एनर्जी आएगी इसमें हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोफॉस्फेट है। हमने पीछे भी पढ़ा है इसको अब बताओ मोनोफॉस्फेट में एनर्जी ज़्यादा होगी या ट्राई फॉस्फेट में जितने फॉस्फेट ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी जो करेंसी है वो बढ़ती जाएगी सो फॉस्फोराइलेजिस क्या करते हैं जितने भी मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं इससे क्या होता है उनमें एनर्जी आती है और वो एनर्जी आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ की जाती है सो फॉस्फोराइलेजिज दे आर एडेड टू द न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नाउ प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए अब हम समझते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है पहले हमने देखा क्या क्या मशीनरी चाहिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए क्या क्या एंजाइम्स चाहिए अब हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रेप्लीकेशन है जो एस फेस में स्टार्ट होती है एस फेस में क्या होगा सबसे पहले जो डबल हेलिकल मॉडल है डी का डबल हेलिक्स है वो ओपन होना शुरू होएगा ये हमारा डबल हेलिकल मॉडल है ठीक है ये ओपन होना शुरू हो जाएगा ठीक है ओपन कहाँ से होएगा ये इसके ऊपर एक खास पॉइंट है जिसको हम कहते हैं और ठीक है और से डबल हेलिक्स जो ओपन होना शुरू होएगा एंड दिस और इज द पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स सो और की जो है फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन बट इज ओरी ओर इज ए पॉइंट ऑन द डीएनए वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट्स ठीक है इन शॉर्ट इट इज रिटर्न एज ओ आर आई अब अगर हम प्रो की बात करें जिनमें न्यूक्लॉयड होता है उनमें ए की ओरी होता है ठीक है लेकिन यू जीनोम क्योंकि लंबा होता है बड़ा होता है तो उसमें हमें मोर देन वन ओरी हैं जो देखने को मिल सकते हैं क्लियर अब हैलिकेज क्या करेंगे और पे आएंगे ऑरी पे आके हेलिक्स को ओपन करना शुरू कर देंगे पहले भी हमने देखा है ये देखो हैलीकेज अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे और है और ये जो डबल स्ट्रैंड है ये ओपन होना शुरू हो गया टोपो आइसम भी अपना काम कर रहे हैं ठीक है थीके? ये फॉक इस डायरेक्शन में ओपन होएगा स्टूडेंट्स बेटे कई बार कंफ्यूज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इस तरफ से ओपन हो रहा है नो no. जो हेलिकेस एंजाइम है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड जा रहा है जैसे जैसे ये जाएगा हेलिक्स को क्या करेगा ओपन करेगा और रेप्लिकेशन फॉक फॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरी जहाँ पे हेलीकेस अटैच होएगा ऑरिपी अटैच होएगा डबल स्टैंड को खोलना शुरू करेगा और एक फॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे रेप्लीकेशन फॉक इज़ फॉर्म्ड रेप्लीकेशन फॉक जैसे ही बनेगा उसके ऊपर एस एस वी भी आके अपना काम करना शुरू कर देंगे, ताकि जो अनवाइंड डी एन ए वो दोबारा कहीं उसमें सुपर कॉइलिंग ना हो जाए क्लियर रेप्लीकेशन फॉक यू में आप देख रहे हो रेप्लिकेशन रेप्लीकेशन फॉक बन रहे एंड इन केस ऑफ प्रो हम रेप्लीकेशन फॉक नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि एक रेप्लीकेशन बबल बन गया रेप्लीकेशन बबल प्रो में हम क्या बोलेंगे इसको रेप्लीकेशन बबल एंड इन केस ऑफ यू इट इज रेप्लीकेशन फॉक एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होगी बट ये जितने भी स्टेप्स हैं ये कोई स्टेप वाइज नहीं चल रही है रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन में हर एक चीज़ है साइमल्टेनियसली हो रही है बट फॉर आवर कन्वीनियंट ताकि आपको हर एक स्टेप का मीनिंग मैकेनिज्म एक्चुअल में पता चल जाए तो हमने इसको स्टेप वाइज डिवाइड किया अदरवाइज ऑल द स्टेप्स दे आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉस्फोरालेसिस एंजाइम्स हैं वो इनको क्या करेंगे इनको एनर्जी देंगे इनको ट्रिपल फॉस्फेट देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे डी जैसे ये वाला हम फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया डी ऑक्सी एडीनोसिन ट्रिपल फॉसफेट डी ऑक्सी गुएनोसिन ट्रिपल फॉस्फेट डी ऑक्सी साइटिन ट्रिपल फॉस्फेट डी ऑक्सी थैमडीन ट्रिपल फॉसफेट सो ये न्यूक्लियस के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर अब प्राइमर आएगा हमने पहले ही पढ़ा है कि प्राइमर को कौन सा एनजाइम सिंथिसाइज करेगा प्राइमरस एनजाइम वो प्राइम प्राइमर जो है हमेशा थ्री एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रेंड पर आके अटैच होता है दिस इज प्राइमर ठीक है इधर हैलीकेस जा रहा है बेटे में बार बार आपको स्टेप्स जो पिछले वाले स्टेप्स भी मैं साथ में आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि कोई भी जो कंसेप्ट आपका उसमें आपको डाउट ना रह जाए सो so, जो प्राइमर है आपने याद रखना है ये वाला जो हमारा है दिस इज़ टेम्पलेट स्ट्रेंड दिस इज़ टेम्पलेट स्ट्रेंड और प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के जो थ्री एंड के सामने आके अटैच होता है जैसे ही प्राइमर अटैच होएगा डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देगा हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं क्या हो रहा है ठीक है ये तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर बन गया अब मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस है जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं मैं आपको डायग्रामेटिकली क्लियर करने की कोशिश करती हूँ आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखो ठीक है चलो ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये हमने इसको ओपन कर दिया मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ बेटे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अब जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है बताओ कौन सा एंजाइम है जो अनकॉइलिंग करता है वेरी गुड हैलीकेजिज ते अनकॉइल द डबल स्ट्रैंड डीएनए एन कहाँ पे अटैच होते हैं बेटे यहाँ पे एक खास पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जिसको हमने क्या नाम दिया और का नाम दिया दिस इज फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा एंटीपैलर दिस इज फाइव दिस इज थ्री ठीक है अब मैं साथ की अब ये ये क्या है दिस इज टेम्पलेट दिस इज ऑल्सो टेम्पलेट are आर original कॉपीज इनके अगेंस्ट क्या होएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड सिंथेसाइज होएगा ठीक है जो मैं एक्स्ट्रा लेबलिंग की है मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप की क्लैरिटी है जो हो जाए वी विल रिमूव आल्सो, ठीक है लेबलिंग हम दोबारा कर देते हैं इसकी दिस इज़ फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम थ्री प्राइम अब क्या होगा अब हमने इसकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनानी है ताकि एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाएं कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले तो हमें हमारा मास्टर एंजाइम चाहिए भाई मास्टर एंजाइम हमारा कहाँ बैठा है ये रहा हमारा मास्टर एंजाइम व्हाट इज इट्स नेम डीएनए पॉलीमरेज इसके बिना तो भाई काम चल ही नहीं सकता डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज की एक ख़ास बात मैंने बताई थी आपको ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है और दूसरी इसकी एक ड्रॉबैक आप चाहे कह लो कि इसको प्राइमर चाहिए इसको इंजन चाहिए अपना काम स्टार्ट करने के लिए ठीक है तब तक कि अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा ये वेट करता रहेगा कि प्राइमर आए तो ही मैं अपनी पॉलिमराइजेशन स्टार्ट करूँ ठीक है चलो हम प्राइमर को लेके आते हैं प्राइमर हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्री प्राइम एंड पे आके ही जुड़ेगा प्राइमर जुड़ गया अब ये थ्री प्राइम एंड है तो ये प्राइमर का कौन सा हो गया फाइव प्राइम ये हो गया थ्री प्राइम अब ये जो पॉलीमरेज है इसके ऊपर तो भाई डबल स्माइल आ गई क्योंकि इसने देख लिया मेरा इंजन आ गया है मेरा प्राइमर आ गया है अब मैंने क्या करना है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करनी है तो ये क्या करेगा बड़ी फास्ट आएगा ठीक है लेट्स ड्रॉ द प्राइमर अगेन 5 प्राइम 3 प्राइम क्लियर अब 3 प्राइम पे हमें पता है हमेशा एक फंक्शनल ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड में ओ एच ग्रुप दैट इज वेरी रिएक्टिव इसी के साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो चेन बननी है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन उसमें न्यूक्लियोटाइड ओ एच ग्रुप के साथ ही अटैच होते हैं ठीक है क्लियर अब क्या होगा इसको जो है हमारा डी एन इसको प्राइमर मिल गया इट विल स्टार्ट एडिंग कलर चेंज करते हैं हम ये वाला कलर लेते हैं हम इट विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि इसको प्राइमर की जरूरत थी प्राइमर इसको मिल गए तो इसने क्या किया अभी देखो अब आप ध्यान से देखो ठीक है ये वाला जो है इसका ये कौन सा होगा फाइव प्राइम एंड ये कौन सा होगा थ्री प्राइम एंड ये कौन सा होगा इसका फाइव प्राइम एंड ये कौन सा होगा थ्री प्राइम एंड लास्ट पे चलते हैं ये कौन सा होगा फाइव प्राइम एंड ये कौन सा होगा थ्री प्राइम एंड तो ये वाला जो डीएनए की सिंथेसिस है ये किस डायरेक्शन में हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है ठीक है चलो हम ऊपर लगाते हैं इसको इस डायरेक्शन में न्यू डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है और ये डायरेक्शन कौन सी है बेटे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन क्लियर ये फाइव टू थी है और कॉम्प्लीमेंट्री फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन न्यू डीएनए सिंथेसिस हो रहा है अब हम दूसरे टेम्पलेट पे आते हैं इधर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होना है लेकिन इधर एक प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें पता है कि जो डीएनए प्राइमर है वो हमेशा थ्री प्राइम टेम्पलेट के थ्री प्राइम एंड के सामने आके ही जुड़ता है अब ये कौन सा एंड है फाइव प्राइम एंड है तो इधर तो प्राइमर नहीं जुड़ेगा आके प्राइमर क्या करेगा फिर प्राइमर अंदर वाली साइड पे आएगा अंदर जो थ्री प्राइम एंड है उस पर आके जुड़ जाएगा दिस इज द फाइव प्राइम एंड दिस इज द थ्री प्राइम एंड दिस इज द थ्री प्राइम एंड अब डीएनए पॉलीमरेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कहेगा अब मैं अंदर अंदर वाली तरफ से आके जोड़ने लग जाता हूँ न्यूक्लियोटाइड ठीक है तो वो क्या करेगा अंदर वाली साइड से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर देगा ठीक है इन द सेम वे अब ये ये हम इनको कनेक्ट कर देते हैं ये क्या है फाइव प्राइम एंड इस न्यूक्लियोटाइड का ये कौन सा है थ्री प्राइम एंड ये वाला कौन सा है फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड ये चेन बन गई क्लियर अब क्या हुआ अब ट्विस्ट आता है ट्विस्ट क्या आएगा कि हम हेलीकेज को तो भूल ही गए भाई हेलीकेज का तो काम ही क्या है हेलिक्स को खोलना हेलीकेज हेलिक्स को खोल ही जा रहा है अब हम देखते हैं हेलीकेस क्या करता है जब वो खोल देता है डबल स्ट्रैंड को हम इसको अरेज कर देते हैं चलो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए एक्चुअल में अभी इस टाइम क्या काम हो रहा है हेलीकेस फर्दर जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसको ओपन कर रहा है ठीक है जब तक हम इसको ओपन करके डायग्राम को आगे नहीं बनाएंगे आपको क्लैरिटी नहीं होगी ठीक है चलो हेलीकेस ने बना दिया अब क्या होगा देखो स्ट्रैंड खुल गया फर्दर स्ट्रैंड खुल गया ठीक है ये वाला इतना पोर्शन है अब इसमें सिंथेसिस होनी है डीएनए की अब क्या होगा कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डीएनए ऐड एड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि नए पॉलि न्यूक्लियोटाइड्स को क्या चाहिए थ्री प्राइम एंड चाहिए उनको फ्री तब तो वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे इधर थ्री प्राइम एंड था ये इधर भी थ्री प्राइम एंड है क्लियर तो ये तो फिर कॉन्टीन्यूअस ट्रेंड हो गया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए इसको स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस ट्रेंड दिस इज़ लीडिंग स्ट्रैंड ठीक है प्रॉब्लम का आई इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई इसमें अब क्या फाइव प्राइम एंड है आप देख रहे हो ये क्या है फाइव प्राइम एंड है अब न्यूक्लियोटाइड्स फाइव प्राइम एंड पे तो आके जुड़ेंगे नहीं उनको फंक्शनल ग्रुप चाहिए ओ OH, एच तभी वो अटैच हो सकते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा आरएनए प्राइमर को दोबारा आना पड़ेगा आर एन ए प्राइमर को फिर आना पड़ा इधर दिस इज फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड आर एन ए प्राइमर जब दोबारा आया तो उसके बाद क्या हुआ डी एन ए कहता हाँ मैं अब आके जोड़ सकता हूँ इस डायरेक्शन में मैं दोबारा जोड़ देता हूँ नो प्रॉब्लम क्लियर तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में डीएनए जो है वो इन सेगमेंट्स सिंथेसाइज हो रहा है शॉर्ट सेगमेंट्स में बन रहा है डिसकॉन्टीन्यू डिसकॉन्टीन्यूटी हो रही है इसमें डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस है तो इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे इसको लैगिंग स्ट्रैंड, अब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हेलीकेस खोलता जाएगा डबल स्ट्रैंड को उतनी बार आर एन ए प्राइमर को आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करने के लिए लेकिन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस होगी क्योंकि थ्री प्राइम एंडा जो फ्री है उसके साथ पॉलिन्यूक्लियोटाइड जो है अटैच हो सकते हैं डी एन ए भी क्या कर सकते हैं इस डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं क्लियर सो so, ये डायग्राम बेटे मैंने ही बनाया है आप क्या करो इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखना अपने आप ड्रॉ करके जो भी मैंने अपना डायग्राम अभी ड्रॉ किया है ये मैंने पहले बना के रख लिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख के अपने हाथों से ड्रॉ करके इस प्रोसेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सको क्लियर अब जो लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बन रहे थे सेगमेंट्स बन रहे थे उसको एक जैपनीज साइंटिस्ट जिसका नाम था ओकाजाकी उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तो इसीलिए इन सेगमेंट्स को नाम दे दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बाद में इन ओकाज़ाकी की फ्रेगमेंट्स को मोलिकुलर गम कौन सा एंजाइम होता है मॉलिकुलर गम लाइगिस उसके साथ इन ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को सील कर दिया सील कर दिया जाता है ताकि एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बाद में बनाया जा सके अब कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड की एनिमेशन में बेटे बार बार जो स्टेप्स हैं वो कर हूं, रिपीट कर रही हूँ डायग्राम रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप देख रहे हो कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड की स्ट्रक्शन में बन रहा है कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड दिस इज थ्री प्राइम एंड दिस इज फाइव प्राइम एंड और आर एन ए प्राइमर है जो थ्री प्राइम एंड पे आके अटैच हुआ क्लियर ऐसे ही आप देख रहे हो लैगिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन है इस डायग्राम में बच्चे डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसीलिए मैं बार बार आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ ताकि आप डायरेक्शन में थ्री प्राइम फाइव प्राइम या फाइव प्राइम तो टू थ्री प्राइम डायरेक्शंस में कंफ्यूजन ना पैदा हो ठीक है अब ये पूरी की पूरी डी एन एर एप्लीकेशन की एनिमेशन है जितना भी हमने अब तक पढ़ा है आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखो ईच एंड एवरी स्टेप इसमें कवर हो रहा है ठीक है जो भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये इस एनिमेशन में क्लियर हो रही है ये वाला डायग्राम अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए तो आप एक्सप्लानीशन के साथ साथ ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बेटे इस डायग्राम में देखो डी एन ए लाइगेज भी दिखाया हुआ है कि वो कैसे ओकाजा की फ्रैगमेंट्स को बाद में सील कर रहा है ओकाजा की फ्रैगमेंट्स के अलावा भी बेटे जो आर एन ए प्राइमर बार बार आके डिसकॉन्टीन्यूस ट्रेंड की सिंथिसिस कर रहा था हमें उसको भी रिमूव करना है और उसको भी डीएनए पॉलीमरेज ए वन का एप्सिलॉन यूनिट है वो रिमूव करेगा क्योंकि आरएनए प्राइमर की हमें ज़रूरत नहीं है हमने तो डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाए हैं तो आरएनए प्राइमर को उनमें से रिमूव करना पड़ेगा उनको भी रिमूव करके फिर बाद में सील कर दिया जाता है स्ट्रैंड्स को क्लियर सो so बेटे ये थी रेप्लीकेशन की प्रोसेस जब भी हम डीएनए एन रेप्लीकेशन करते हैं तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें याद करनी चाहिए ठीक है कि इन्होंने क्या, क्या क्या किया सो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया विदाउट टेम्पलेट अभी हमने क्या पढ़ा कि टेम्पलेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है ठीक है नेचुरल वे में लेकिन डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने विदाउट टेम्पलेट लैब में विट्रो मीन्स लैब में उन्होंने डी का स्ट्रैंड बना दिया वो भी विदाउट टेम्पलेट देखो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा ठीक है ऐसे कोइनबर्ग ने डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया लेकिन उन्होंने टेम्पलेट का यूज़ करके किया और काया ने आरएनए बनाया इन विट्रो आर्टिफिशियल आरएनए बनाया सो इन तीनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है ये हमें पता होनी चाहिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटे रेप्लीकेशन ऑफ डी अब आप क्या करो इस वीडियो को बार बार देखो जहाँ पे आपको कोई डाउट लगता है आप पॉज करो डायग्राम्स को जूम करके देखो ठीक है और उसके बाद आप अपनी नोटबुक पे डायग्राम्स ड्रॉ करो ओके okay? थैंक यू